क्रांति की शुरुआत जो है वो कुछ नीलतांर नहीं होती है क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति होने से हेलो वेलकम टू बायोमेंट्रस क्लासेज ऑनलाइन आई एम डॉक्टर सिंह तो चलिए बेटा रिपोर्टिव हेल्थ में आगे बढ़ते हैं तो पिछली क्लास में हमने कई सारी जो है वो ऐसी बातें समझी थी जो हमारी सोसाइटी में हमें देखने मिलता है हमने चैप्टर के कोर uh, को समझने की हमने कोशिश की थी हमने जानने की कोशिश की थी कि इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस क्या है ठीक है हमने ये भी देखा कि सोचिए 1947 में हमारा कंट्री जो है आज़ाद हुआ और जब इंडिपेंडेंस के बाद में 1951 में हमको जो है वो फैमिली uh, जैस, प्लानिंग जैसी योजनाओं को अपनाना पड़ा हमको ठीक है ना ठीक और इंडिया दुनिया में ऐसी टॉप की कंट्रीज में से एक था इनफैक्ट लीडर था जहां पर जो है वो फैमिली प्लानिंग को अपनाया गया हमने पिछली क्लास में देखा हमने हमने ये भी देखा हमने कि रिपोर्टिव हेल्थ जो है उसका एक समग्र या, या हम ऐसा बोले कंप्लीट डेफिनेशन क्या होता है तो वो केवल फिजिकल हेल्थ को शामिल नहीं करता है उसमें मेंटल हेल्थ भी शामिल होता है उसमें और उसमें सोशल पर्सपेक्टिव भी साइकोलॉजी भी उसके अंदर शामिल होता है पिछली क्लास में मैंने आपको कहा था 2019 थाउजेंड नोबल प्राइज तो मैं करेक्शन कर दू कि जो नोबल प्राइज है वो 2018 का प्राइज जो है वो एक डॉक्टर को मिला हुआ है जो जो युगांडा के 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 कांगो की, कांगो डॉक्टर हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन ही मैंने पिछली क्ला, क्लास में नीचे दे रखा था पड़ेगा बेटा बड़ा इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी कि उन्होंने कितना काम किया वॉर जो है ऐसे वॉर विक्टिम्स के लिए जो रेप का शिकार हुई थी उनके लिए के। तो मेरा कहने का मतलब यहां पर यह था कि रिपोर्टिव हेल्थ चैप्टर जो है पूरे समाज में जो है रिपोर्टर से जुड़ी हुई जो है, जो हैं, मिथ हैं, उसको दूर करने में का रोल प्ले करता है और सोसाइटी में एक पॉपुलेशन कैसे ग्रो करती है कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होना चाहिए क्या तरीके हैं है नेचुरल मेथड क्या, क्या होती है इन सब पर हम आगे बात करेंगे ठीक है चलिए तो मैंने पिछली क्लास में आपको ये भी कहा था बेटा कि एक मूवी है बायोमेंट्रस ऑनलाइन फिल्म्स का फॉर एवर लव रिपेटिव हेल्थ इश्यूज के ऊपर तो मूवी को आपने जरूर देखा होगा ठीक तो है उसका भी लिंक मैंने दे रखा था चलिए थोड़ा सा रिकॉल करते हैं मैंने कहा था 1951 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अडॉप्टेड किया के? और याद रखना कुछ बड़े इंपॉर्टेंट ईयर है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 1951 फिफ्टी वन के फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को अडॉप्ट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एंड नाइनटीन इज दी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के याद रखिएगा हमारे यहां पर कानूनी का? देखो जब कोई बोलता है कोई मान लो आपसे पूछता है ना कि वॉट इज द लीगल मैथड के तो लीगल मेथड का मतलब ये नहीं होता है लीगल मेथड का मतलब है कि दैट इज इंक्लूडेड इन लॉ अंडर लॉट के यानी जिसको कानून के अंदर दिया गया हो लीगल मेथड के तो जैसे हम कहते हैं कि जो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कि प्रेगनेंसी को कैसे मेडिकली टर्मिनेट कर सकते हैं यदि कोई जो है प्रॉब्लम है मान लीजिए फॉर एग्जांपल एग्जाम्पल की विक्टीम एक विक्टिम है सेक्सुअल असोल्ट की विक्टिम है और उसको प्रेगनेंसी हो जाता है और उसको मेंटल ट्रामा भी काफी दिखे तो वो कानून सपोर्ट करता है कि भाई ऐसी प्रेगनेंसी को हम टर्मिनेट कर सकते हैं मान लीजिए मदर को फर्स्ट टाइम ऑफ प्रेगनेंसी में हमें मालूम है कि फर्स्ट टाइम ऑफ प्रेगनेंसी में पूरे ऑर्गन वगैरह सब डेवलप हो चुके होते हैं ये हमने पढ़ा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में फर्स्ट इमिस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान बदर को कोई सीवियर वायरल इन्फेक्शन आता है सबसे कि रूबेला हो गया उसको या कोई ऐसी मेडिसिन खाने में आ गई जिस मेडिसिन से जो है फीटस को जो है वो टेरेटोजेटी हो सकती है मतलब फीटस का डिफॉर्मेशन हो सकता है तो वैसी कंडीशन में डॉक्टर जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना पड़ेगा अदरवाइज जो है वो जो बच्चे का जन्म होगा वो मदर के लिए बच्चे के लिए दोनों के लिए वेलफेयर में नहीं होगा दोनों के फायदे में नहीं होगा वो तो देर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन उसके ऊपर भी हम बात करेंगे हम ठीक है चलिए तो अभी हम जहां पर जो जहां मैंने

पर सबसे पहले लक्ष्य ये रखा गया या आपको देखिए सिंपल सी बात आपको बताऊं मैं कि उस समय की गवर्नमेंट जो थी उसका सबसे पहला लक्ष्य यह था कि बाल विवाह जो अभी भी अंग्रेजों ने काफी पहले जो है वो सारडा एक्ट लाके तमाम कानून लाके बंद कर चुके थे वो लेकिन तब भी समाज में चुकी क्या था कल्चर के नाम पे अभी भी जो है वो उस बोझे को हम ढो रहे थे ठीक है तो सरकार का का कहना था कि लोगों को एजुकेट किया जाए ताकि बाल विवाह बंद हो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट कम हो मतलब जो माएँ हैं उनकी मृत्यु कम हो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कम हो के तो ये सब चीज़ों को उन्होंने ध्यान में रखते हुए और साथ में जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है वो भी कम हो उसको भी कंट्रोल में रहना पड़ेगा इसके लिए उन्होंने जो है वो एक्ट को लेकर आठ के देखिए In तो तो आपकेयर है, इसका, जो, जो इसका है वो आपको याद रखना में डायरेक्टली पूछा जाता है बेटा ठीक है कुछ किताबों में आप देखेंगे उन्नीस सौ बावन में रखा है गूगल पर आप देखेंगे तो कई जगह भी मिलेगा आपको तो नाइनटीन फिफ्टी टू में जो है वो एक्ट को एप लागू किया गया था लेकिन बनाया गया इनेक्ट किया गया इन ऑपरेशन अंडर दॉपुलर नेम रिपोडक्टिव एंड चाइल्ड का फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है बेटा इसका आरसीएच का फुल फॉर्म होता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर क्या होता है बेटा इसका फॉर्म फॉर for सी फॉर चाइल्ड एच फॉर हेल्थ केयर प्रोग्राम के तो अब देखो इन्होंने केवल, केवल की प्रेग्नेंसी में अंतर होना चाहिए ठीक है बच्चे कम होना चाहिए इसके अलावा सरकार ने कहा कि हमें बहुत सारे दूसरे मुद्दों पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि प्रेग्नेंसी के दौरान मदर का ध्यान रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं तो एंटीनेटल केयर प्रेग्नेंसी के बाद बच्चे के जन्म के बाद मदर का ध्यान रखा जा रहा है नहीं रखा जा रहा है पोस्ट नेटल केयर हो गया फिर हमने क्या कहा हमने कहा कि जो इनफेंट बच्चा है उसको प्रॉपर वैक्सीन लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं ये भी देखना पड़ेगा तो सरकार ने एक बड़ा प्रोग्राम शुरू किया इसको हमने कहा रिपरेटिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर जिसमें कि जच्चा और बच्चा एक वर्ड होता है बेटा मेडिकल में जच्चा बच्चा नॉर्मल हिंदी वर्ड यूज करते हैं कि एंड मदर एंड द बेबी उसकी कंप्लीट केयर के ओर सरकार ने ध्यान दिया ठीक है क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल बाउट वेरियस रिपोडक्शन रिलेटेड ऑस्पेक्ट एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अपनी हेल्थ सोसायटी आर दी मेजर टास्क अंडर दिस प्रोग्राम अब देखो बेटा क्या कह रहा है एनसीआर टी की यह लाइन को जिसको मैंने पढ़कर सुनाया कहना क्या चाहता है यह देखिए मैंने आपसे कहा ना बेटा की ये सारे मुद्दे सरकार के लिए बड़ी चुनौती के समान थे आज हमको लगता है कि अरे ये कोई बात ही गवर्नमेंट ने इतना गवर्नमेंट ने उस समय जब देश के पास में बजट भी कम था बहुत कम कम रिसोर्स थे तब भी सरकार ने इसको प्रायोरिटी मानकर इसके ऊपर ध्यान देने की शुरुआत किया के उन्होंने के। देखिए

घरों में पहले के जमाने में क्या था घरों में दाई होती थी गांव के अंदर वो बच्चों के जन्म में रोल प्ले करती थी उन्होंने कहा नहीं बच्चे के जन्म के लिए बकायदा जो डिलीवरी है मतलब जो इंस्टीट्यूशन के लेवल पर जो डिलीवरी है वो होना चाहिए हॉस्पिटल्स में प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में वहां पर फैसिलिटी को सरकार ने प्रोवाइड करने की कोशिश की तो गवर्नमेंट का कुल मिलाकर जो है वो वो सबसे बड़ा मेजर टास्क क्या था वो था वो था क्या था देखिए आप ये जो छो, देखो बेटा ये सब जो आपको लग रहा है ना कि सिंपल सी लाइन है ऐसे ये यहां पर क्वेश्चन बनता है बेटा ठीक एक तो लोगों को अवेयर करना ठीक है किस चीज के लिए अवेयर करना रिप्रोडक्शन से रिलेटेड इश्यूज़ के ऊपर उनको अवेयर करना ठीक उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करना ठीक है और उनको जो भी इस इस एक्टिविटी में लोग जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं दूसरों को एजुकेट कर रहे हैं उनको भी जो है एक्टिव रोल प्ले देना उनको उनको जो है वो ऐसे गांव के अंदर जो है वो गांव की लेडीज में सिलेक्ट किया गया लोगों को आशा वर्कर बनाया गया लोगों को जो है वो हॉस्पिटल के, के के, लिए उन्होंने कहा भाई कि आप हमारे प्रचारक बनिए आप हमारे हमारे योजना को लोगों तक पहुंचाइए पंचायतों तक अप्रोच किया गया सारे गवर्नमेंट ने जो है वो प्रयास किए इसके लिए ठीक है क्लियर देखिए जगह जगह पर कैंप लगाए गए प्रोग्राम्स किए गए और जो है महिलाओं को बुला बुलाकर एजुकेट किया गया आप एक सीन देख रहे हैं ये साउथ में एक जो है प्रोग्राम हुआ उसका ही एक फोटोग्राफ है तो हम देख रहे हैं कि कैंप लगाया कैंप लगा के महिला अब क्या, इस कैंप में होता क्या है यहां पर महिलाओं का ब्लड प्रेशर चेक किया उनका जनरल हेल्थ चेक किया उनका उनका ब्लड सैंपल लिया उनका हीमोग्लोबिन का लेवल चेक किया उनका उनकी मैंस्ट्रल हिस्ट्री को पूछा उनसे कोई प्रॉब्लम है गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसके लिए डॉक्टर उनसे पूछती है तो वो धीमे धीमे बताना शुरू करती है उनके क्योंकि पहले क्या था पहले उनको बड़ा टैबू था किसे अभी क्या होता कैंप लगा सब महिलाएं गांव जो है मोहल्ले की इकट्ठी के वहां पहुंच गई उन्होंने अपनी समस्या को बताया और जो है वो डॉक्टर से डिस्कस किया अब इलाज हो पा रहा है तो मतलब मदर एंड चाइल्ड के जो, जो है वो हेल्थ केयर के पर प्राइमरली फोकस किया गया आरसीएच प्रोग्राम के रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम में ठीक है क्लियर अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ के डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो ये मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विस कैन बी डिफाइंड एज अब इसको कैसे डिफाइन करता है डब्ल्यूएचओ बोलता है प्रमोटिंग प्रिवेंटिंग थेरापेटिक देखिए अब मैं इसको यहां ले देता हूं तो क्योंकि आपको शायद वो लोगों के कारण दिख नहीं रहा होगा है ना ठीक है तो uh, एक काम करता हूं मैं लोगों को जरा हटाता हूं इसको ठीक है अब आप इसको देख पा रहे हैं है ना मेटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विस कैन बी डिफाइंड एज प्रमोटिंग प्रमोटिंग प्रिवेंटिंग थेरेपिटिक और रीहेबिलिटेशन फैसिलिटी और केयर फॉर द मदर एंड चाइल्ड के अब देखिए डब्ल्यू एच ए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज को जो है वो कैसे डिफाइन करता है वो कहता है कि यहां पर हम जो है मदर के मदर को अवेयरनेस दे रहे हैं उसको हम प्रमोट कर रहे हैं कि हम उसको प्रमोट कर रहे हैं कि उसे कैसे अपना ध्यान रखना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आफ्टर प्रेगनेंसी ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड कैसे उसको अपना ध्यान रखना है अटके और जो है वो हम ऐसी बीमारियां जो जो आगे चल के उसे जैसे मान लीजिए कि मदर का यदि प्रॉपर ध्यान प्रेग्नेंट लेडी का प्रॉपर ध्यान नहीं रखा गया तो आगे चल के उसको कई बीमारियां हो सकती है बच्चा भी उसका बीमार हो सकता है उन चीजों

और बाकायदा उन डिपार्टमेंट्स के अंदर क्या होता है उसमें केवल जो है वो मेट, मेटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर को जो है वो प्रायोरिटी दिया जाता है उसमें और वो बाकायदा की कौन कौन सी योजनाएं महिलाओं की हैं वहाँ चल रही हैं कौन कौन सी योजनाएं बच्चों के लिए चल रही है उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होता है या नहीं होता है उस सबको बाकायदा मॉनिटर किया जाता है ठीक है विद दी हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज है पीपल अबाउट द रिप्रोडक्शन रिलेटेड ऑस्पेक्ट के अब क्या होता है आपको पता है गांव के अंदर क्या होता है गांव के अंदर जो है नुक्कड़ नाटक होते हैं कई बार गांव में बाहर से जो है कहीं कहीं से से कहीं से से शहर एक छोटे लोगों की टोली आती है वो गांव के लोगों को इकट्ठा करते करते हैं हैं वहां पे प्ले करते, नाटक करते हैं और उनका पर्पस होता है कि वो एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी होती है है ये होता है कि लोगों को सेक्सुअल प्रॉब्लम के बारे में मालूम चले लोगों को डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए लोगों को हेजिटेट नहीं करना चाहिए किस प्रॉब्लम का क्या मतलब है और ऐसे उपाय जो हम कहते हैं कि घरेलू नुस्खे जो होते हैं जिन नुस्खों से जो है वो कई बार जो है ठीक होने के बजाय बढ़ जाती है उनसे कैसे दूर रहना चाहिए तो लो सरकार, सरकारी लोग आते हैं वहां पर कुछ कुछ लिख हाँ के आते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार के इस तरीके के जो है स्लोगन कई सारे लिखे होते हैं और बल्कि लोगों को प्रमोट किया जाता है मैंने तो, तो आज भी आज भी जो है वो मध्य प्रदेश के मैं जहां जहां घुमाऊ एमपी में यूपी में कई गांवों में आज भी जैसा है कि भाई ये देखिए यदि आपने बच्चे को प्रॉपर वैक्सीन लगाए हैं तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा आपके बच्चे का यदि मान लीजिए बच्चे का डिलीवरी है तो आपको वो मुफ्त में डिलीवरी सरकारी अस्पताल में होगा बल्कि बीच में सरकार ने यह भी कहा था कि डिलीवरी यदि आप अस्पताल में कराओगे तो एक आपको मिलेगा ठीक है डिलीवरी यदि कराते हैं बच्ची का जन्म होता है सरकार रजिस्टर्ड करती है उसको तो बच्ची को के नाम पर कुछ पैसा जमा सरकार करेगी एफ बना देगी तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी योजनाएं जो है वो इस तरीके से लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड करने के लिए ठीक इसके अलावा हम कहते हैं तो देखिए सरकार जो है वो बड़ा सारा काम करती है अवेयरनेस के लिए और मैंने जो है मैंने जो है वो एक जमाने की बात है बहुत पुरानी बात है मैं अक्सर ये स्टोरी शेयर करता हूँ इट इज वन ऑफ दी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि जब मैं छोटा बच्चा था मतलब मैं रहा हूँ छुट, छुट, छु, छु, का, काफी छोटा रहूंगा मैं मतलब फोर्थ फिफ्थ क्लास में हूँ या आठ दस साल का रहूंगा आठ नौ साल का तो उस समय यह था कि उस समय बड़ा ये जो होता ना कि वो उस समय जैसे छोटे शहर में हम को तहसील प्लेस में हम, हम हमारे मेरे फादर वहाँ पोस्टर ड्रा करते थे तो वहाँ पे वो घोड़ा आपको पता है वहाँ पर कोई जब नई फिल्म लगती थी ना तो वो घोड़ा गाड़ी होती है घोड़ा होता है जो तांगा होता है तांगा बोलते हैं इसको घोड़ा गाड़ी तांगा तांगे में जो है उसका फिल्म का पोस्टर लेकर वो अनाउंस करते रहता था कि भाई ये वाली फिल्म लगी हुई है मनोहर टॉकीज में ये वाला फिल्म है इसके हीरो धर्मेंद्र है इसका हीरो जो है मिथुन चक्रवर्ती है धड़ाम धड़ाम बढ़िया

और उस जमाने में जो है वो टीवी तो थोड़ा कम पॉपुलर था रेडियो बड़ा पॉपुलर था उस समय लोग खेतों में भी रेडियो लेके जाते थे क्या, जो है वो गाय भैल चला रहे हैं, तो रेडियो पास रखा हुआ गाने सुन रहे हैं क्रिकेट की कमेंट्री सुन रहे हैं और उस समय रेडियो का एक बड़ा फेमस ब्रांड था वो था मर्फी कभी आप देखिएगा वो एक रेडियो का बड़ा फेमस ब्रांड था उसका नाम था मर्फी मर्फी रेडियो ठीक है ये इंडिया का लीडिंग रेडियो का ब्रांड रहा है एक जमाने में के एक बड़ा सुंदर सा बच्चा इसका वो ब्रांड ने अनाउंसमेंट तो कराया जाएगा उसको के। रेडियो मतलब उस जमाने में साइकिल रेडियो ये सब चीजें बड़ी लग्जरी चीजों में शामिल हुआ करती थी तो अः लोगों ने वहां पोस्टर लगे कई कई अस्पतालों की दीवारों पे लिखा मैंने भी देखा है बढ़िया योजना है तो कि मतलब आप अब अपने को क्या पता है सात आठ साल के बच्चे को क्या पता है कि नसबंदी का मतलब क्या होता है आपने देखा कि हाँ भाई ये तो मतलब मर्फी का रेडियो मिल सकता है इसमें तो भाई एक इसी एक दिन हमारे घर में भी एक बड़ा सा रेडियो था उसको जो है कई बार वो दिक्कत करता था तो मैं अपने पिताजी को मैंने एक सलाह दिया कि भाई ऐसा है कि अभी है ना रेडियो सरकार ने बहुत योजनाएं निकाली हैं मैंने लगा कि पता नहीं ये काम वाम में बहुत व्यस्त रहते हैं सुबह से कोर्ट निकलते शाम को जो है कोर्ट से आते हैं अपनी फाइलों के अलावा इनका कुछ खबर वबर तो रहती नहीं होगी इनको तो मैंने कहा देखो ऐसा है मैं तो स्कूल जाता हूँ भाई पास मेंसम

पिताजी कुछ बोले नहीं पिताजी बोले ठीक है भैया ना हम सोचेंगे इस बारे में बात की बात है तो वो बाद में सोचे उन्होंने कि देखो अब सरकार ऐसा प्रचार प्रसार कर रही है कि हमारे बेटे को जो है वो हमसे बोलता है तब तो मतलब समझ में तब तब नहीं आया अब बाद में समझ में आया कि अच्छा ये तो गलत था भाई हम ये ये चाह क्या रहे थे करना तो कहने की बात यह है कि सरकार ने इस लेवल का प्रचार प्रसार किया कि बच्चे बच्चे के दिमाग में बात आ गई भैया मर्फी का रेडियो मिलता है पुरुष नसबंदी कराने पर ठीक है मतलब सरकार ने हर लेवल पर प्रयास किया लोगों को अवेयर करने का होर्डिंग लगा के नुक्कड़ नाटक आपको पता है आज भी एच के प्रचार एच के के लिए खबर बतलाने के लिए आज भी नुक्कड़ नाटक की मंडलियां होती कई सारी करोड़ों रुपया सरकार खर्च करती है पोस्टर्स पर एडवर्टाइजमेंट पर इस नुक्कड़ नाटक पे कि आप जाके गाँव में प्ले कीजिए लोगों को अवेयर कीजिए वो गाड़ियां बनती हैं अलग तरह की एक वैन जैसी आती है उसमें स्क्रीन लगा होता है वो जाके खड़े आती है वहां पे उसमें कुछ कुछ जो है वो ऐसे जो आ, 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 शिक्षा देने के लिए छोटी छोटी मूवी बनाते हैं लोग सोचते हैं पता नहीं फिल्म लगेगा फिल्म देखते हैं देखने जाते हैं यहाँ पे वो तो वो इसकी बजाय आपको इस तरह की एजुकेशनल एक्टिविटीज वहाँ पे देखने मिलती है ऐसा नॉलेज वहां पर मिलता है सरकार बड़ा सारा खर्च करती है हर गवर्नमेंट जो है तब से लेके अब तक जो है गवर्नमेंट करती चली आ रही है और रही बात शिक्षा की तो भैया शिक्षा का ऐसा यहां मतलब जो दिमाग, का ही, सारी का दिमाग में पाइप डला हुआ है यहां से इन्फॉर्मेशन अंदर गई और यहां से बाहर निकाल दी ठीक है मतलब उस का ये हिस्सा बंद करना पड़ेगा तब वो दिमाग तक पहुंचेगी इंफॉर्मेशन बहुत सारी पब्लिक का पाइप जो है वो सीधा इस कान से उस कान कनेक्टेड है खे? एक्चुअली क्या होता है हम शिक्षा को सोचते हैं कि ये उनके काम है उनका काम है हम कभी इसको आत्मसात करने के बारे में नहीं सोचते मैं बताऊं आपको कि छोटे जब आप रहे होगे ना तो एक बुक चलती होगी आपको स्कूल में सप्लीमेंट्री रीडर मैंने मैं हिंदी मीडियम में था उस समय में तो मेरे पास बुक थी वो सहायक वचन ठीक मैंने 10th के बाद अपना मीडियम चेंज कर लिया था तो 10th तक सहायक वचन चलती थी सप्लीमेंट्री रीडर जितना मैंने उस बुक से सीखा जिंदगी में आपको बता रहा कि मैंने हर किताब को अपनी पूरी लाइफ में जो पढ़ा है ना सीखने के लिए पढ़ा मैंने कभी किसी किताब को कोई एग्जाम पास करने के लिए नहीं पढ़ा मैंने inadvertho. ये मेरा मेरा फलसफा है जिंदगी का कि कभी पढ़िए ना तो उसको जिंदगी में उतारने के लिए पढ़िए कोई एग्जाम के लिए मत पढ़िए एग्जाम तो अपने आप निकलते हैं ठीक है एग्जाम तो हर दिन हम देते हैं कोई ना कोई चीज़ का हर दिन हमारी जिंदगी एक परीक्षा के समान ही होती है तो सप्लीमेंट्री रीडर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया मैंने बहुत कुछ सीखा उन किताबों से जो कोर्स की किताबें थी बच्चे उनके आंसर याद करके लिखाते थे मैं भी आंसर लिख के आता था लेकिन मैं किताब को पूरा याद रखता था और यही मैं आपसे कहूंगा कि चीजों को रह, याद रखना उन्हें उनको जिंदगी में उतारना सीखिए उनको आपके चलिए तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं कि जो है गवर्नमेंट ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया मैंने बताया ना ऑडियो विजुअल हुआ प्रिंट मीडिया हुआ टेलीविजन उसके थ्रू गवर्नमेंट अवेयरनेस क्रिएट करती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑस्पेक्ट बैठ के देन पेरेंट्स हुए क्लोज रिलेटिव हुए टीचर्स फ्रेंड्स के ये भी मेजर रोल प्ले करते हैं इस इन्फॉर्मेशन के भाई व्यक्ति पूछेगा तो किससे पूछेगा यदि कोई इश्यू है कोई समस्या है तो आदमी किससे कम्युनिकेट करेगा वो अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेट करेगा अपने रिलेटिव से कम्युनिकेट करेगा अपने फ्रेंड से कम्युनिकेट करेगा अपने टीचर से कम्युनिकेट करेगा और ये सारे लोग जो होते हैं यानी हर बच्चे का जो पहला विद्यालय होता है उसका घर होता है जहां पे बहुत कुछ वो सीखता है सब कॉन्शियस माइंड में बच्चा बहुत कुछ सीखता है यानी आप बच्चे जो छोटे बच्चे जो होते हैं ना आप उनसे कुछ बात करें चाहे ना करें वो आपको देख रहे होते हैं देखकर आपको सीख रहे होते हैं आपके पेरेंट्स के तौर पर आपकी जिम्मेदारी बहुत अधिक बढ़ जाती है कि बच्चे जो है वो क्या सीख रहे हैं क्या वो लर्न कर रहे हैं ठीक है अब हम बात करते हैं कि इंडियन इंडियन स्कूल में सेक्स एजुकेशन को लेकर भी बड़ा विवाद हुआ कि भारत के स्कूलों में इंडियन स्कूल्स में हमें सेक्स एजुकेशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए आपको बताता हूं चलिए मैं एक छोटा किस्सा मैं आपसे बात करूंगा बेटा इस चैप्टर में आप मुझे रोकेगा नहीं मुझे आपसे बात करने दीजिएगा यहां पर मैं अपने अनुभव भी शेयर करूंगा विदिशा के अंदर विदिशा के अंदर एक इंस्टीट्यूट है जहां पर टीचर्स की ट्रेनिंग होती है डाइट बोलते हैं उसको डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग डाइट करके एक इंस्टीट्यूट होता है जहां पे जो टीचर रिक्रूट होते हैं जो शिक्षक प्राइमरी स्कूल के मिडिल क्लास स्कूल के शिक्षक होते हैं उनको वहां पे रिक्रूट किया उनको वहां पे ट्रेनिंग दिया जाता है और जो टीचर होते हैं उनकी बीच बीच में ट्रेनिंग सेशन चल रहे होते हैं तो ये बात अच्छी है मुझे ध्यान आता है कि ये बात है टू की या टू की बात है दो या दो की बात है थाउजेंड टू की बात है जब मैं एम कर चुका था एम में जस्ट पास आउट एम हुआ था तो मेरी एक परिचित थी वहाँ वो डाइट के अंदर वो वहाँ पर जो है वो एक बड़ी पोस्ट पर थी डाइट डाइट के अंदर ही सरकारी अधिकारी थी वो और मेरे अच्छे परिचित थे वो तो उन्होंने मुझसे बोला कि गीतेंद्र सा है कि तुम तो डॉक्टर हो अभी तुम पास आउट हो गए डॉक्टर तुम बन गए और यू आर वेरी गुड इन स्टडीज आल्सो तो हम ये चाह रहे हैं कि हमने यहाँ पर जो है डाइट में एक चूँकि अभी हमको सरकार ने बोला है कि आपको किसी डॉक्टर को लेके आना है और डॉक्टर के साम डॉक्टर के से वो टीचर लोग जो है वो समझेंगे सेक्स एजुकेशन के इंपॉर्टेंस के बारे में और जो उनकी क्वेरीज होंगी उन क्वेरीज को वो पूछेंगे डॉक्टर से तो एज अ डॉक्टर हम चाहते हैं कि तुम हमारे सेंटर में आओ और हम तुमको जो है मान दे भी देंगे उस समय उसको बोलते थे अपन क्या बोलते हैं उसको मानदेय को इंग्लिश में बोलते हैं ऑनोरियम uh... के तो आपको ऑनोरियम में मिलेगा एक सौ पच्चीस रुपए कुछ था ऑनोरियम तो वो भी तुमको मिलेगा दो दिन तुमको ट्रेनिंग में आना है ठीक है मैं गया मध्य प्रदेश के कम से कम आप सोचा दो तीन सौ टीचर जो है ना वो जो प्राइमरी स्कूल के टीचर है वो सारे सामने बैठे हुए मिडिल स्कूल प्राइमरी स्कूल टीचर के मैं ऊपर डाइस पर बैठा हुआ था मेरे बाजू में डायरेक्टर डाइट और ऐसे करके दो तीन चार लोग बैठे हुए थे आवाजू में और अब उन्होंने पूछना शुरू किया कि भाई सेक्स एजुकेशन में कैसे बताएंगे क्या होगा देन उसके बाद जब सब हो गया मुझे मुझे उन्होंने बोला कि आपको ये बताना इन लोगों को कि एड्स क्या होता है ये तमाम चीजें बताना है आपको कैसे मेल पार्ट क्या होते हैं फीमेल पार्ट क्या होते हैं क्या उसका

तो पढ़ाए बगैर नहीं छोड़ता उसको जब तक वो छोड़ के ना जाए मेरे को गए भाई, ये? <laughs> हमने हमने भाई ये कहां तो कौन आदमी है कि इससे पूछा था बतलाता हूं ठीक है भगवान बुद्ध के पिता माता उनकी वाइफ उनके बच्चा उनका कैसा शिक्षा कैसा उनके जो, जो पहले चले उसके बाद स्तूप कैसे बना स्तूप तक कैसे पहुंचा फिर अशोका ने क्या किया बोला भैया साची का पता पूछा था कि तो तुमने दो घंटा झिला दिया हमको बस वही तरह का आदमी हूं मैं ठीक है कैसा आदमी हो वैसे ही आदमी उठ के आप बोलोगे सर आप तो फुल पागल हो मतलब यस है अरे गर्व से बोलते हैं भाई पढ़ाने के लिए तो बिल्कुल हैं एकदम जुनूनी हैं तो एक घंटा 42 43 मिनट की क्लास लिया हमने उसके बाद आपको पता है व्हाट जब उसके बाद सब बता दिया अब हमने कहा भाई किसको क्या पूछना तो उन्होंने कहा कि भाई हमें जो पूछना है हम पूछने में हमको शर्म ठीक है थाके? तो हमारे लिए एक काम किया जाए कि एक बॉक्स बनाया उन्होंने अपनी अपनी चिट्ठियां लिख के बॉक्स में डाल दी ठीक है बिलीव मी शिक्षक जो सामने बैठे थे उन्होंने जो जो चिट्ठियों में लिखा उसमें लिखी हुई चीज को मेरे साथ में एक लेडी थी वो उस डाइट में काम करती थी वो क्वेश्चन को पब्लिकली पढ़कर सुना रही थी और मुझे उनका आंसर करना था कई क्वेश्चन ऐसे थे जिनको वो पढ़ भी नहीं पाई इस प्रकार की चीजें उन्होंने पूछी उसके अंदर ठीक है वन ऑफ द क्वेश्चन द्वेश्चन एग्जाम्पल की जिस जिस देश में जो है सेक्स एजुकेशन को लेके लोगों के दिमाग में इतना गार्बेज भरा हो वहां पे कैसे कैसे उसको जो है सरकार ने शुरू कर पाई होगी बहुत विरोध हुआ के यदि हम देखें तो इंडिया सबसे बड़ी बात है सबसे बड़ी बात है कि जो जनरेशन इसको पढ़ाने वाली से मैं बोलूं कि मैं एज टीचर मैं आपके सामने हूं तो मतलब मैं क्या सोचता हूं मेरी सोच क्या है इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है यदि मेरी सोच ठीक नहीं होगी तो मैं अगली पीढ़ी को तो क्योंकि आप अगली पीढ़ी आप अगली जनरेशन है आपको मैं कैसे इंफॉर्मेशन अपनी दे पाऊंगा आपको और आप उस पर भला भरोसा कैसे करेंगे आप यह भी इंपॉर्टेंट चीज है तो क्या भारत वाकई में रेडी है इन सब चीजों के लेके तो हम देखें देखिए नहीं नहीं रहे के रिमूव सेक्स एजुकेशन फ्रॉम स्कूल के आंदोलन चले बहुत सारा हुआ आज भी आज भी कई हिस्सों में ऐसा है ठीक है जहां पर लोग जो है वो इसको ठीक नहीं मानते क्यों ठीक नहीं मानते प्रश्न ये उठता है कि कि हमारी सोच के अंदर जो है वो इतनी गंदगी भर चुके हैं कि हमें हमने पहले टैबू बनाया पहले दूर आइसोलेट किया हमने हमने जो जो लैंगिक सेक्सुअल जो वर्ड्स थे उनको हमने आइसोलेट किया हमने हमने उसको धीमे धीमे टैबू बनाया टैबू बनाने के बाद हमने उसको बुरा घोषित किया बुरा घोषित करने के बाद हमने जो है उसको बारे में हमने ऐसा किया कि वो एक ऐसा चीज बन गया है कि जिसके बारे में बात करना भी एक अपराध के समान है दैट मे बी पॉसिबिलिटी की जो मेरा वीडियो आप अभी देख रहे हो उनको अच्छा नहीं लगता हो कि सर तो एकदम खुल के बात कर देते हैं इस बारे में मैं एक ही बात बोलता हूँ कि आपको जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं कभी ये सोचता नहीं हूं कि आप आपको उन्हें सोचता हूं कि आप एस्पायरिंग डॉक्टर और यदि आप मेडिकल कॉलेज में मुझे मिलेंगे तो मैं, मैं आपसे जो है वो एज ए डॉक्टर ही बात करूंगा ना तो आप लड़का है ना आप लड़की है ना आप आप हिंदू है ना आप मुस्लिम है ना सिख है ना ईसाई है ना आपकी कोई कास्ट है आपका सिर्फ एक धर्म है मेडिकल प्रोफेशन और आप हैं डॉक्टर सिर्फ के बनने वाले डॉक्टर और डॉक्टर के लिए जो है वो सही जानकारी का होना बहुत जरूरी है यू यू विल बी ए रोल मॉडल आफ्टर समटाइम जो आप कर लेंगे आप भी रोल मॉडल होंगे अपने लिए के अपने एरिए के लिए तो बात इतनी सी है कि जो है चूंकि क्या हुआ कि मैंने आपसे कहा ना कि वो टीचर्स मुझसे कैसे क्वेश्चन किए उससे मुझे एक बात मैंने जब से डायरेक्टर ने बात बोला मैंने कहा कि सर पहले तो इनकी सोच बदलनी पड़ी दया मैंने कहा बच्चों की बात बच्चे तो बेचारे छोटे हैं बच्चे उनको कुछ नहीं मालूम है उनको कुछ भी नहीं मालूम है पहले तो आपको इनको एजुकेट करना पड़ेगा आप कर भैया पहले तो पहले तो इसको दिमाग में कितना भरा, इसको बाहर निकालो पहले, इसको ठीक करना पड़ेगा तब जाके अपने बच्चों को बता पाएंगे नहीं तो कोई यकीन नहीं करेगा मैंने कहा भी था एक बार की जो है वो एक बार बताया था मैंने आपको शायद पहले कभी कि एक बार महात्मा गांधी के पास में एक लेडी गई अपने छोटी बच्ची को लेकर बोला उसने कि बच्चा छोटा बच्चा था उसको लेके और बहुत समय लाइन में लगी रही वो गांधी जी सबसे मिला करते थे सा, साबरमती आश्रम बही की बात है तो वो वह वहां वहां पर जब पहुंची उसने बोला कि बहन बताओ क्या क्या क्या, क्या तकलीफ क्या तुम हमसे कहने आई हो तुम तो बहुत देर से लाइन में लगी थी बच्चे को गोदी में लेके तो हमने कहा कि चलो भाई इनको पहले बुला लो उसने बोला बापू मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ और पूरा भारतवर्ष आपका सम्मान करता है मेरा बच्चा भी आप बोलता है मैं बड़ा होकर बापू जैसा बनूंगा मिठाई बहुत खाता है बहुत मिठाई खाता है कई बार बीमार भी पड़ जाता है उस मिठाई खा के तो मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप इसको बता दो कि मिठाई ना खाए खराब होता है इतना मिठाई खाना ये आपको बहुत मानता है आप बोलेंगे तो मान जाएगा ये गांधी जी थोड़ा इधर उधर देखे बोले कि बहन एक काम करोगी एक महीने के बाद आओगी इनका नाम नोट करो भाई ये आएंगी ना कहा से आई है आप तो नाम पता नोट किया कि आना जरूर बहन तुमसे मैं ब, मुझे बात करूं अब उसने लगा बापू इतने बड़े आदमी बापू जो है वो बोल रहे एक बाद आना, तुमसे मैं बात करूंगा अभी शायद कुछ काम होगा उसने कहा बुला के बोला कि अच्छा मैं सोचा बहुत इस बारे में हाँ बापू बेटा क्या नाम तुम्हारा उसने नाम बताया अपना ठीक है नाम मुझे याद नहीं आ रहा मैंने जो किस्सा पढ़ा नाम मैं भूल गया उस बच्चे का तो उन्होंने बोला कि बच्चे बेटा ऐसा है सिर पर हाथ फिर तो बापू ने कहा तुम बहुत अच्छे हो तुम बहुत अच्छा करोगे मिठाई मत खाया करो बेटा स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती इतनी मिठाई, करती मिठाई है बहन। अब का दिमाग कि यार यार मतलब एक महीने बाद में अपने सफर करते हुए यही बात ही उसी दिन बोल देते तो मेरा बच्चा उसी दिन सुन लेता बापू आप गुस्सा तो नहीं करेंगे हाँ बहन मैं कहा गुस्सा करता हूं पूछो क्या पूछना ये बताओ कि आपने यही बात एक महीने पहले क्यों नहीं बोली उन्होंने कहा एक महीने पहले मैं खुद बहुत मिठाई खाता था तो मेरे को एक महीने वो मिठाई छोड़ने में लग गया कि मैं मिठाई ना खाऊं तब तो मैं अपनी मैं अपनी बात को पूरे शिद्दत के साथ कह सकता हूं कि मिठाई मत खाया करो अच्छी नहीं होती यदि बहन उस दिन मैं बोलता ना तो मैं झूठा पड़ा था क्योंकि मैं खुद मिठाई खा रहा था उस समय दीज आर थी ग्रेट मैन जो कहते हैं वो करते हैं अपने अंदर रखते हैं तभी तो वो कम्युनिकेट कर पाते एक आदमी दुबला पतला कपड़े भी त्याग दिए उसने छोटी छोटा से कपड़े पहन के सड़क पर निकल पड़ा लाठी लेके पूरी भीड़ पागल पीछे पीछे उसके अंग्रेज चाहते तो एक छोटी सी गोली मार देते हिम्मत नहीं थी उनकी कैसा कर दे ऐसा कर दे तो हल्ला मच जाएगा इंडिया में दुबला पतला हाड़ मास का आदमी गोल में सम्मेलन में गया तो लोग सामने देख के बोले वो अंग्रेज बोले अच्छा ये ये, ये भूखा नंगा फकीर ये बात करेगा इंडिया के बारे में कहां से पकड़ लाए उस आदमी का ये मत बोलना कांग्रेस ने बनाया ना ये किया ना वो किया कुछ नहीं अफ्रीका में उठा के उसको ट्रेन से फेंक दिया था बाहर अफ्रीका रुका वो मूर्ति लगवा के आया अपनी वहाँ पे चुराए पे ऐसा है तो कन्विक्शन लोग ऐसे चाहिए अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए ठीक है चलिए आप बोलोगे सामाजिक मुद्दे पर सर आप आते हो एक्चुअली मैंने हमेशा कहा आपसे कि शिक्षा एक ऐसा जो है आ, मशाल है आपने देखा बैटन बैटर मशाल लेके दौड़ते हैं फिर दूसरा मशाल लेके आगे दौड़ता है बस ये मशाल जला के दे रहा हूं अपने बच्चों को अपने कमांडोस को ये मशाल जलती रहना चाहिए और उसको प्र, प्रोपेगेट करना इस मशाल को सब जगह पे ठीक है चलिए अब हेलो Sorry to disturb you in between the lecture. But it's important to inform you. You should download the BioMentors app from Google Play Store. We need your support, so please take the subscription to become an official commando of BioMentors. Bye bye, continue your lecture.

इट्स अबाउट स्लीपिंग विथ समन सिक्सटी परसेंट कहता है भैया गूगल कर ले जो मालूम चलेगा गूगल फुल ऑफ गार्बेज गूगल जी फॉर गूगल एंड जी फॉर गार्बेज फॉर दीज इूज ठीक है Google, for for issues, ना देन एटीन परसेंट माइ टीचर टोल्ड देट अरे इट्स नथिंग बट ए सेक्सुअल एक्टिविटी टीचर बोलता है कि भैया कुछ नहीं है तुम घर में पढ़ लो यार क्या लगे हो क्या पालतू की बात पूछते हो हमसे है ना ठीक है अब

सब पढ़ाएगा टीचर डाइजेस्टिव सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट होता है mind, ऐसा होता है, सब पढ़ाएगा जैसे ही ये इंपॉर्टेंट नहीं है तुम लोग घर पढ़ लेना ठीक है पढ़ाना कोई चाहेगा तो कैसे पढ़ाएगा ओ माई गॉड ठीक है आप सोचिए कि आप जो है ये तस्वीरें नहीं छुपाई आपने मन की कालिक छुपाई है तस्वीरें नहीं छुपाई मन की कालिक छुपाई है, ऐसे पढ़ाएंगे के। क्या पढ़ेगा आदमी क्या सीखेगा आदमी और क्यों मैंने कहा कि मैं, ए, मुझे अच्छे से ईयर की बात है कि आ, जो है लास्ट टू लास्ट की बात है मुझे अच्छे ध्यान है कि मेरे वीडियोस के एंड में पुराने वीडियोस को भी देखिएगा आप उठा के एट्टीन वेट्टी वाले जो वीडियो पुराने डले उसमें लास्ट में ना एक ऐसे ही बायोमेंटस का एक ऐसे ऐसी कुछ छोटा सा वीडियो ऐसा ऐसा ना था ना ये लास्ट एंड करते हैं टिंगिंग तो कुछ कुछ घूमता था उसमें देखे तो उसमें आ, मैंने कभी गौर नहीं किया उसमें एक एनिमेशन था वो एनिमेशन लास्ट में लिखा था बायोमीट्राउन क्लासेज ऑनलाइन के तो उस एनिमेशन में डीएनए दिखाया गया मेल और फीमेल दिखाया गया कि तो उसमें एक मेल दिखाया उस एनिमेशन में जिसमें जिसमें मेल दिखता है और इज ए शेडो ऑफ मेल रिपलेटिव पार्ट वो भी दिखता है उसमें तो किसी ने मुझे बच्चे ने मुझे मेल किया सर ये आपके लेक्चर के आज लास्ट में चलता है ना इसमें है ना मेल पार्ट दिखाई पड़ता है और मेरी बहन और मेरे घर में लोग बाकी लोग भी आपकी वीडियो देखते हैं तो ये तो सर बड़ा खराब है एकदम खराब है ये तो इसको बंद कीजिए सर छोटी सी सोच से उसने मेरे को मेल लिखा इंटेंशन बुरे नहीं थे बच्चे के बच्चा मुझे बहुत रेस्पेक्ट करता होगा इसलिए उसने मुझे अप्रोच किया लेकिन सच ये है, जो प्रकृति में है जो आपने आस पास है उसमें उसमें हम जो है इतने टैबू डाल दिए हैं इतना सोच लिए हैं हम उसको कि हम सही इंफॉर्मेशन किसी को बताना चाहे ना गलत है यदि घर में for, मैं आपको एक एग्जाम्पल के दर इज ए ब्रदर एक सिस्टर है घर में भाई मान लो मेडिकल कॉलेज के अंदर है सिस्टर जो है छोटी है ठीक है सी इज फेसिंग सम काइंड ऑफ मेंस्ट्रुअल इश्यूज बट सी कैन नॉट डिस्कस दिस विथ ब्रदर बोल नहीं सकती कि मेरे को ये इश्यू हो रहा है क्योंकि टैबू इतना सारा है ना आसपास में इतना सारा जो है वो ऐसा मिस इन्फॉर्मेशन है सूचनाएं है गलत हैं कि अच्छे बुरे का जजमेंटल अप्रोच है बहुत चीज़ें है लेकिन मैं आपको क्लियर बता दूं कि मैंने मैं मैं मैं, मैं आ, जो है कई सारे मैं मैं अभी से मैं मुंबई में प्रैक्टिस करता हूं तो आई सॉ कि देर आर फादर्स कम विद द डॉटर बच्चे म, ब, पिता अपनी बेटी के साथ आते हैं बताते हैं कि उसको तो ये ये इशू इशू हो रहे हैं मेरी बेटी ने बताया और हमने दिखाया डॉक्टर को नहीं आराम मिल रहा है डॉक्टर साहब बताइए किसको दिखा लें क्या इशू है है ना तो मतलब के okay, okay, वो, वो, वो लोग नहीं है ऐसे भी लोग जो अपने, ब, अपने बच्चों का एजुकेट कर रहे हैं इन सारे और ऐसे ही वो बच्चे जो जो ट्रैप है ना क्योंकि देखिए इन्फॉर्मेशन नहीं होते तो हैं। होती है लोग ट्रैप में फंस जाते हैं सूचना होती है तो आप ट्रैप में कभी नहीं फंसते फिर आप ठीक है तो मैंने आपसे कहा कि जो ये सब मैं आपको बिल्कुल बता देखो बेटा मैंने आपको बिल्कुल विद एविडेंसेस बातें बता रहा हूं खुद के बर्ड्स वीज़ा एंड यंग इंडियन के आप देखिए जो सोच है लोगों के कि यदि हम बात रीजन व्हाई पीपल डोंट अप्रोच सेक्सुअल हेल्थ डॉक्टर के क्यों लोग जो है वो सेक्सुअल हेल्थ डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहते ठीक अब एक सर्वे किया गया फिफ्टी फील स्टाफ एंड डॉक्टर विल बी हॉस्टाइल और जजमेंटल के उनको लगता है कि यदि हम डॉक्टर को कुछ बताएंगे डॉक्टर सोचेगा हमारे बारे में डॉक्टर क्या सोचेगा जजमेंटल हो जाएगा उसका स्टाफ क्या सोचेगा अगली बार हम आएंगे तो हमें किस नज़र से देखेगा वो उठ फिर कुछ लोग ट्वेंटी टू परसेंट कहते हैं कि भाई मेडिकल प्रोसेज इज नॉट सेफ वो ठीक नहीं है फिफ्टीन परसेंट जो है उनको लगता है नहीं हमारी पर्सनल मैटर हम किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं ठीक है थ्री परसेंट आर एमस्ड एट नीडिंग और वॉन्टिंग रिपोर्टिव हेल्थ सर्विस बोलते थे हमको बड़ा शर्म आता है हमेशा नहीं कर सकते नाइन परसेंट को डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो है वो उनके पेरेंट्स को उनके दोस्तों को इस बारे में माल खबर मिल जाए या उन्हें मालूम चल जाए ठीक है ये बहुत बड़े टैबू <coughs> मतलब इसका फायदा कौन उठा पाता है आपको इसका फायदा कौन उठा रहा है अब मेरी बात सुनना जरूर और सीखना इस बात को ठीक है इसका फायदा वो लोग लो उठा रहे हैं जो लोग नीम हकीम खतरा जान जो वॉशरूम के आसपास अपने एड लगा के बैठे हकीम ये हकीम वो है ना 24 घंटे में फायदा 48 घंटे में ये होगा ठीक है को संतान दिलाने का दावा वो छूट बोल रहे हैं गलत दवाएं दे रहे हैं लोगों को लूट रहे हैं क्योंकि तो लोग सही जगह पर नहीं पहुंच पा रहे सूचनाओं का इन्फॉर्मेशन का जो है वो गलत इंफॉर्मेशन का एक जाल आसपास भिज गया है ठीक है अब देखिए अब इसको लेकर एनसीआरटी क्या कहता है जितना मैं बोल रहा हूं, बता रहा हूं हूं बता ना बेटा सब एनसीआर के रेफरेंस में ही बोल रहा हूं मैं ठीक है ना ये मत सोचेगा कि सर अपने मन से कुछ भी बोल रहे हैं ठीक है इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल इट शुड बी इन शुड ऑल्सो शुड ऑल्सो बी इनक्रेज इनकरेज टू प्रोवाइड राइट इंफॉर्मेशन टू दंग सो एज टू डिस्करेज चिल्ड्रन फ्रॉम बिलीविंग इन मिथ एंड कॉमन है जो है सेक्स रिलेटेड ऑस्पेक्ट पे मिसकंसेप्शन का होना मिथ का होना एंड इसमें सबसे बुरी बात मालूम क्या है सबसे बुरी बात है कि ये जो, जो, जब ये चीजें ग्रत

के, के पास टेस्टिकल्स है दूसरे के पास ओवरीज है ठीक है ना दैट इज द ओनली डिफरेंस बोथ बोथ हैव हैव इक्वल एबिलिटीज जो छोटे छोटे फिजिकल डिफरेंसेस ना उसके अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं मानसिक स्तर पर महिलाएं पुरुष से भी स्ट्रांग हो सकती हैं और ये किसी कुछ के प्रूफ करने की जरूरत नहीं है ये सच्चाई है ये फैक्ट है तो इसलिए मैं कहता हूं कि पुरुष की श्रेष्ठता या स्त्री की श्रेष्ठता ये कोई इशू ही नहीं है प्रकृति ने इक्वल बनाया एक एक अकेला रहेगा ना तो प्रकृति सर्वाइव नहीं कर पाई चाहे केवल केवल फीमेल्स रहे चाहे मेल है ना ये तो टू टाइप ऑफ क्रिएचर जो एक साथ ग्रो कर रहे हैं केवल ये एंड नथिंग एल्स तो हम क्या बात करें कि जो है स्कूल्स के अंदर सेक्स एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए कि अब फर्स्ट यू टाइप कैसे हाउ हाउ टू टॉक अबाउट देखिए वेन समबडडी इज साइंग अबाउट की शुड बी सेक्स एजुकेशन इट डजेंट मीन दैट हीज टॉकिंग और सी इज टॉकिंग अबाउट द सेक्शुअल एक्ट एक्चुअली सी इज टॉकिंग अबाउट द इंटायर ऑपरेटिव सिस्टम ठीक है हाउ इट वर्क व्हाट इज द फिजियोलॉजी बिहाइंड इट क्या इसका फिजियोलॉजी का, का तरीका है क्या सिस्टम है ये के मेल में क्या होता है फीमेल में क्या होता है प्रेगनेंसी रोकने के तरीके क्या होते हैं कि ना कैसे हेल्दी रह सकते हैं सेक्सुअली ट्रांसमेंट डिजीज के सा, साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं कैसे इनसे व्यक्ति बच सकता है ये सब इसके अंदर आता है तो ये एक ब्रॉडर टर्म है मैं कहता हूं इसको मैं इसको कहता हूं कि एक वर्ड तो सरकार को चेंज करना चाहिए कि यदि मैं गवर्नमेंट में होता मैं सरकार में होता तो मैं बोलता कि इसको दादा सेक्स एजुकेशन बोलना बंद करो नंबर एक नंबर एक डोंट कॉल इट सेक्स एजुकेशन आपने एनसीआरटी में भी लिखा हुआ है सेक्स एजुकेशन के इट शुड बी रिपोर्टिव एजुकेशन शब्द को चेंज कर दो आप और बोलो कि ये ब्रॉडर परस्पेक्टिव में क्योंकि लोगों का टैबुक लोग क्या करते हैं उनको लगता है कि यार आज क्या मान लो फिर सपोज स्कूल में अनाउंसमेंट हो जाए घर घर जाके भाई देखो कल स्कूल में इंपॉर्टेंट क्लास है बाहर से डॉक्टर आ रहे हैं कल सेक्स एजुकेशन का क्लास है पता है मम्मी क्या बोली कोई जरूरत नहीं जाने की तुम घर में बैठ के पढ़ो चलो चुपचाप पागल हो गए स्कूल वाले फीस भी दो इनको, और ऐसे क्लासे भी लगवाते हैं ढिंडोरा पिटरा शहर में कल आइए 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 स्कूल में सेक्स एजुकेशन का क्लास है लोग बोलेंगे पागल हो गए क्या है गलत कुछ नहीं है गलत है केवल कि जो जिस तरीके से प्रोजेक्शन है ना उसका वो पब्लिक को अपील नहीं करता और आपको आपको अपील करने के लिए आपको जो है उसको उसको थोड़ा टर्मोलॉजी चेंज करना है केवल आपको ठीक है ना रिपेटिव एजुकेशन ठीक है ना ठीक है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ प्रोग्राम कि जीवन कैसे कार आगे बढ़ता है बहुत कुछ चीजें आप चेंज कर सकते हैं नाम बदल सकते हैं इसके आप ठीक है वहां पर एजुकेट कीजिए व्यक्ति को पूरी सब चीजों के लिए ठीक कभी कुछ ठीक ठाक जगह पर पहुंचूंगा तो जरूर इस बारे में मैं कुछ ना कुछ करने की कोशिश करूंगा ठीक अब प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिपोर्टिव ऑर्गन एडोलोसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस ठीक है यानी की प्रॉपर सूचना ठीक है अब एडोलेसेंट क्या होता है बेटा एडोलसेंस का मतलब होता है कि बच्चा जो है वो बच्चा का चाइल्डहुड बचपना खत्म हो जाए बचपन का उम्र चुका होता है वो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट होता है यहां पर बच्चे के बहुत सारे विचारधारा बनती है बच्चे के बहुत सारे जो है वो इमोशंस डेवलप होते हैं यहाँ पे तो ये सबसे अधिक जो है वो वो अवस्था होती है जहां बच्चे को यदि सही शिक्षा मिलेगी तो बच्चा बहुत आगे निकल जाएगा और यदि गलत पथ पर रास्ते पर चला गया तो फिर कम बैक कर पाना बड़ा मुश्किल है तो के उसके की, क्या आएंगे के तो सेक्शुअल प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है सेक्सुअली ट्रांसमिट एसिड बीमारियां जो सेक्स sex, जो सेक्सुअल एक्टिविटी sex, से जो हो सकती है वो क्या होती है एड्स क्या होता है था? वुड हेल्प पीपल स्पेशली दोस्ट इन द्रुप टू लीड ए रिपेटिवलीफ के वो कहते हैं कि हमें बच्चों को जो यंग एडल्ट है उनको हमें शिक्षा कर देना चाहिए उनको बताना चाहिए इसके बारे में ताकि हमारी सोसाइटी की रिपोर्टिव हेल्थ ठीक रह सके लोगों लोग लोग को बीमारियां ना हो ठीक है लोग एड्स के शिकार ना हो लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को लेकर जो है वो उन बीमारियों को अंदर अंदर बढ़ाते ना रहे हैं। वो तो के सिफ्लिस हुआ गुनौरिया हुआ इसका इलाज यदि शुरुआत में होगा तो ये क्यूरेबल है इनको क्योर कर सकते हो आप लेकिन लेटर स्टेज में बड़ा मुश्किल हो जाता है ठीक है एजुकेटिंग पीपल स्पेशली फर्टाइल कपल्स एंड दोज इन मैरिजेबल एज ग्रुप अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शन अब देखिए लोगों को ऐसे में एजुकेट करना है जो मैरिड कपल हैं, जो फर्टाइल है, 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 कपल uh, का इस्तेमाल करना चाहिए एक बच्चा होने के बाद कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड बेहतर होगा लंबे समय तक यदि कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड यूज करना है तो किसको सेफली यूज कर सकते हैं ये सारी चीजों की जानकारी होना भी जरूरी है क्या लिखा है एजुकेटिंग पीपल स्पेशली फर्टाइल कपल दो इन मैरिजेबल एज ग्रुप अबाउट अवेलेबल वर्थ कंट्रोल ऑप्शन केयर ऑफ प्रेगनेंट मदर की प्रेग्नेंट मदर का केयर कैसे रखना चाहिए पोस्ट नेटल केयर बच्चे के जन्म के बाद मदर का और बेबी का केयर कैसे रखना चाहिए ठीक है एंटी नटल प्रेग्नेंसी की बात कर रहे हैं पोस्ट नटल डिलीवरी के, के बाद की बात कर रहे हैं ठीक है इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग का क्या इंपॉर्टेंस होता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर दी मेल एंड फीमेल चाइल्ड के मेल और फीमेल चाइल्ड को बराबर अपॉर्चुनिटी uh, मिलना चाहिए कि यानी ऐसा नहीं है कि जो है वो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए दस साल का बच्चा है बारह साल का लड़का है बारह साल का लड़का गली मोहल्ले में जाकर जो है वो कंचे खेल रहा है ठीक है मतलब होता है आपने पता नहीं अभी अभी तो क्या पबजी खेलते हैं बच्चे मैंने देखा है कि मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ गाँव के अंदर कि वो जाके खेल रहा है ठीक है ठीक है वही बारह साल की लड़की दस साल बारह साल की लड़की है उसको बोला गया नहीं तुमको घर ससुराल जाके काम करना पड़ेगा का। वो सुबह से माँ के साथ काम कर रही है रोटी भी बना रही है सब घर का काम कर रही है उठ के झाड़ू पोछा बर्तन सारे काम मा, माने इसको ट्रेनिंग के नाम पे सारे काम करवा दिए उसे वो बारह साल की बच्ची सारा काम कर रही है और पढ़ने में अच्छी है और बारह साल का लड़का वो गली मोहल्ले में घूम रहा है दोस्तों तो के साथ जो है वो घूम रहे हैं ठीक है पढ़ने में एवरेज है अभी लो एवरेज है लड़के बुरा ना माने इस बात का सब ऐसे नहीं होते बेटा मैं एक एक, एक बात कह रहा हूं मैं बता रहा हूं कि ये डिस्क्रिमिनेशन है ना जो आप अपने प... मैं कहता हूं यदि अपने परिवार में भी देखते हैं ना हमको बोलना चाहिए कि नहीं ये ठीक नहीं है क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन जो होते हैं ना ये इसका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट बड़ा गहरा होता है उस बच्ची के मन से पूछा जाए कभी जाके कि तुम्हें खेलने का मन नहीं करता क्या मतलब आप किसी के मन को आहत नहीं कर सकते फिजिकल चोट जो होती है ना वो तो ठीक हो जाती है पर मन की चोट ठीक नहीं होती हो। वो वो जिंदगी भर जो है वो सात चलती है वो तो मैं आपसे क्या बोला था मैंने आपसे कहा कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर दी मेल एंड फीमेल चाइल्ड मेरे को बहुत बोलने का मौका दे रहा है इस चैप्टर में लोग के वुड एड्रेस द इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रिंगिंग अप सोशली कॉन्शियस हेल्थ हेल्थी फैमिलीज एंड डिजायर्ड साइज के देखो सब बातों का एक ही सार है बेटा वो है शिक्षा सही जानकारी का परकुलेशन ऑफ राइट इंफॉर्मेशन पहुंचना वो कि लड़का लड़की एक बराबर है कोई भेद नहीं है इनमें दोनों को बराबर एजुकेट करना चाहिए फिर जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के, के में बारे में ज्यादा बच्चे नहीं होना चाहिए छोटा परिवार रखना चाहिए ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट के अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम ड्यू टू अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ सोशल इवेंट्स लाइक सेक्स एब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम नीड टू बी क्रिएटेड टू अनेबल पीपल टू थिंक एंड टेक अप नेसेसरी स्टेप टू प्रिवेंट देम एंड देयर बाय देर वाय बिल्टअ अपली रिस्पॉन्सिबल हेल्दी सोसाइटी के अब क्या बोल रहा है आपसे एनसीईआरटी कहता है कि देखो ऐसा है कि जो सेक्सुअल एज ग्रुप के जो है जो आ, जो सेक्स एजुकेशन है या सेक्सुअल इंफॉर्मेशन है ये जब गलत तरीके से लोगों के पास जाती है कई सारे मिथ किसको लेकर होते हैं तो उससे सेक्सुअल एब्यूज भी होते हैं सेक्सुअल क्राइम होते हैं बच्चे को पता है अब देखिए आप, मैं आपको बताता हूं मेरे बच्चे जैसे स्कूल में आते हैं बॉम्बे का स्कूल है जो है यहां पर इट्स अ गुड स्कूल वन ऑफ द वन टॉप स्कूल में से एक है वहां मेरे बच्चे पढ़ने आते हैं तो वहां पर जो है मेरा बेटा आ, मुझे एक दिन आके बताता है मेरा बेटा प, प, छोटा आपने दिखाया एक आध साल पहले की बात है वो आके बोलता है कि पापा पता है the private part, the private के बोला कि ना नो बडी कैन टच टचर प्राइवेट पार्ट मैंने कहा अच्छा फिर मैंने कहा बेटा मैं तुमको नहलाऊंगा कैसे फिर बोला हाँ हमारे टीचर से हमने पूछा उसने बोला कि पापा मम्मी जो है उनसे आप नहा सकते हो लेकिन कोई दूसरा आदमी जो है आपके प्राइवेट पार्ट टच नहीं करना चाहिए छोटा बच्चा उसको इंडिकेट उन्होंने बताया उसको वन टू थ्री सिखाया उन्होंने के गर्ल्स में बॉयज में के तो बोला के, ऐसे के के, के, कि ऐसे करके बच्चे को एजुकेट छोटे बच्चे को ही नोस कि व्हाट इज है वो कहता है वो टीचर वहां बताया गया उसको ट्रेनिंग में कि, कि हाउ टू आइडेंटिफाई द इंटेंशन क्या करना चाहिए जोर से चिल्ला चीखना जोर से चीखना चाहिए भाग जाना चाहिए ठीक है दिस इज रॉन्ग पांच साल के बच्चे को स्कूल के अंदर जो है मुंबई के अंदर स्कूल के अंदर वो एजुकेट कर रहे हैं लड़का हो चाहे लड़की हो एजुकेट कर रहे हैं बराबर इक्वली यहां पर मुंबई में पुलिसिंग इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पुलिस यहां पर मतलब मैं कहता हूँ कि जो यहाँ मुंबई में जो जो लॉ एंड ऑर्डर है रेजिमेंट है उसका मुंबई पुलिस इज डूइंग एक्सलेंट वर्क आप कोई खाओ यदि भी सड़क पर निकलूंगा मैं बड़ा आदमी हूँ यदि रेड लाइट क्रॉस किया है तो आई है मेरे पास मेरे कागज पूरे होना चाहिए मेरे को फाइन भरना है पूरा भरना है तो मतलब भरना है फाइन क्या कोई खाओ आपकी गाड़ी में कोई बत्ती लगी हो कुछ लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता कंसिडर यू एंड आई फील प्राउड टू मैं सिपाही जब भी कभी ऐसा मुझसे मेरे ड्राइवर ने एक दो बार गलती की मैंने डाटा भी उसको के ऐसा मत किया कर भाई ड्राइवर को डाटा मैंने समझाया उसको के लेकिन वो सिपाही को मैंने जब चालान बना दिया उन्होंने जुर्माना भर दिया एंड आई ऑलवेज से थैंक्स टू कि थैंक्स टू फॉलोइंग दी दी, दी दी जो रूल्स बने हैं उसको तुम अप्लीकेबल कर रहे हो उसके लिए गर्व है आप लोगों पर बात वही है ठीक है तो एक्चुअली क्या होता है कि जो है ना अब जैसे छोटे बच्चों के साथ में कई बार जो है वो बच बचपन में जो परिचित लोग होते हैं आस पड़ोस उसके लोग जो होते हैं ठीक है ना जो फैमिली फ्रेंड बने होते हैं वो कई बार ऐसी हरकतें करते हैं बच्चा बेचारा उसके मन में घाव लग जाता आपने देखा होगा सत्य में जयते हैं आमिर खान का उसमें भी आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें अब वो सारी चीजों को मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा पर मैं ये बोलूंगा कि सेक्शुअल एव्यूज को रोकने का तरीका भी एजुकेशन है शिक्षा ठीक है तो ये क्योंकि देखो जब कभी है ना मेरे तो फैमिली में कई लोग पुलिस में जैसे मेरे को ब्रदर है वो ही जो है वो एडिशनल एसपी है हो मेरी मेरी सिस्टर है वो भी एडिशनल एसपी पी के मेरी जो है वो फैमिली में कई लोग हैं जो ब्यूरोक्रेसी में है पुलिस में हैं के डॉक्टर्स हैं तो वो लोग अक्सर ऐसी घटनाएं है, देखते रहते हैं कि इस तरह की छोटी छोटे बच्चों के साथ घटना हो गई होगी इसका घटना हो गई ऐसी घटना के तो वो घटना को सुन के बड़ा दुख होता है और आपको पता मैंने कहा भी था पिछली क्लास में भी कि ये इसके पीछे मिसकंसेप्शन है गलत धारणा है इसके पीछे है। और जब तक हम उन बेड़ियों को नहीं तोड़ेंगे ना अरे हम एक अपराधी को तो अरेस्ट कर लेंगे हम लेकिन हम जो अपराध की जो सोच है उसको रोकना पड़ेगा हमें तब जाके ये चीजें रुकेंगे यहां पर ठीक है चलिए सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान टू अटेंड रिप्रेटिव हेल्थ रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए मतलब यदि हमको जो जितने भी एक्शन प्लान बने हुए हैं इसको लेके कि रेप हेल्दी सोसाइटी को बनाने के लिए जितने भी एक्शन प्लान है उसको यदि हमको जो है वो इंप्लीमेंट करना है तो हमको एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होगी मतलब हमें हॉस्पिटल चाहिए डॉक्टर चाहिए हमको हेल्थ केयर वर्कर चाहिए वॉलेंटियर्स चाहिए हमको ठीक है और महिलाओं का पार्टिसिपेशन चाहिए सबसे बड़ी बात है महिलाओं का पार्टिसिपेशन चाहिए हमको गांव के अंदर ऐसे ग्रुप समूह बनना चाहिए महिलाओं के स्पेशली ग्रुप समूह बनना चाहिए जो लोगों को एजुकेट करने में रोल प्ले करें ठीक है प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज चाहिए हमको मेटेरियल सपोर्ट चाहिए हमको कि ब्रॉशर्स के ऐसे इंफॉर्मेटिव मटेरियल जो लोगों तक पहुंच सके लोकल भाषा में जो स्थानीय भाषा है उसमें भी लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है कि उनको पता चले कि क्या बोलना चाह रहे हैं ठीक है इंप्लीमेंटेशन ऑफ बेटर टेक्निक एंड न्यू स्टडीज फ्रॉम टाइम टू टाइम आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड मोर इफिशियंट के मेरा भाई जो है छोटा भाई मेरा जो है वो एक बहुत अच्छा डॉक्टर है ही इज अ वेरी गुड डॉक्टर हो सकता है उसके पास मुझसे कम डिग्रियां हैं बट ही इज मच बेटर डॉक्टर देन मी Why? Because he is serving in a needy area, वो एक नीडी एरिया में सर्व करता है वो सरकारी डॉक्टर है कोविड में भी वो जो है वो अपना कोविड के समय में वो रोज अपना अस्पताल जाता है पेशेंट देखता है है. और प्रेग्नेंसी हर समस्या को जो है वो गाँव में जो भी समस्या के सरकारी सारी योजनाओं को इंप्लीमेंट करता है और पूरी ईमानदारी के साथ पूरी मेहनत से वो काम करता है और मुझे अपने भाई पर बहुत गर्व है कि सच ए नाइसमेंट कैन वो बी एम एचआरसी के अंदर भोपाल के अंदर एक बड़ा अच्छा उसने हॉस्पिटलॉजी में भी काम किया हुआ उसने तो वो चाहे तो अपना प्राइवेट क्लिनिक लाइफ वो वो अच्छा उसने कहा नहीं मुझे तो काम है मुझे तो इसी में मजा आता है बोलता मुझे नहीं चाहिए कोई बहुत बड़ी गाड़ी हो मेरे पास कोई बहुत बड़ा बंगला हो आई डोंट वॉन्ट ऑल दीज थिंग्स आई जस्ट वॉन्ट टू सर्व टू दीडी पीपल मेरी नजर में देखो भाई छोटा है मेरा मेरी नजर में उसका रिस्पेक्ट इतना बड़ा बहुत बड़ा रिस्पेक्ट है मेरी नजर में खैर और ये जो है ना सामने वाले को रिकोग्नाइज करना ये भी आपको आना चाहिए बेटा छोटा भाई बहन है कोई है ना कोई अच्छा करता है ना दिल से खुश हो आपका चिड़िया मत किसी से दिल से खुश हो यार। क्योंकि सीखने मिलता है आपको बहुत कुछ सीख मैं उसको फोन लगाता हूँ क्या मैं पूछता हूँ क्या चल रहा है जैसे अभी अपना जो बायोमेट्रस का एक हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया हॉस्पिटल प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर बायोमेट्रस का बन रहा है ठीक तो अभी बारिश का टाइम है तो उसने बताया मिट्टी कच्ची होती तो अभी रुकना पड़ेगा थोड़ा इसके लिए तो वो ही वो सारा उसके अकॉर्डिंग प्लान चल रहा है कि कैसा बनेगा क्या बनेगा यहाँ पे कैसे करना ऑपरेट करेंगे इसको के तो ही तो वो उसको उसके लिए वहाँ पर वो पूरा देख रहा है उसको ठीक चल तो अभी फिर हम बात करते हैं आगे बढ़ते हैं इसमें देखिए दे, जो है वो स्टडी तो वेन ऑन एमनियोसेंटेसिस की हम बात करें यहां पे ठीक, अब क्या है बेटा एमनियोसेंटेसिस का मतलब क्या है के? देखो जो एम्योटिक फ्लूड होता है आपको पता है ना अभी हमने रिपोर्टिव हेल्थ अभी हमने जो है उसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा हुआ है कि एमनोटिक फ्लूड जो है वो शॉक एब्जर्वर के समान काम करता है एम्ब्रियो के चारों तरफ होता है तो उसमें कई सारी सेल्स ऐसी होती सेल्स भी उसके है तो एमनोटिक फ्लूड को निकालते हैं एक इंजेक्शन से एमनोटिक फ्लूड को निकालते हैं और उसका फिर केरो करते हैं उसका केरो करते हैं उसके क्रोमोसोम्स की स्टडी करते हैं और उससे यह मालूम चल जाता है कि क्रोमोसोम एक्स एक्स है या एक्स वाई है मेल है या फीमेल है यह मालूम चल जाएगा ठीक है बेसिकली इसका इस्तेमाल इसलिए नहीं करते इसका इस्तेमाल इसलिए करते कहीं कोई बीमारी तो नहीं है मतलब एक ट्वेंटी तो नहीं है एक्स एक्स वाई तो नहीं है ठीक एक्स जीरो तो नहीं है टर्नल सिंड्रोम तो नहीं है। कोई सिंड्रोम तो नहीं है बच्चे को कोई जेनेटिक डिजीज तो नहीं है कोई क्रोमोसोमल एवरेजन तो बच्चे में नहीं है यह पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं और इसका इस्तेमाल बेहतरी के लिए इसको इन्वेंट किया गया था

हर कोई भी हॉस्पिटल चले जाइए आपको लिंक की जांच करना गैर कानूनी है लिखा हुआ मिलेगा लिखा हुआ मिलेगा मतलब लोग करवाते हैं ऐसा इसलिए लिखा हुआ मिलेगा ठीक है ऐसा हुआ है तो एमनोसेंटेसिस का भी लोगों ने जो है वो बहुत भारी मिसयूज किया उन्होंने के लिए और इसको फिर सरकार ने क्या किया इसको उन्होंने जो है वो सरकार ने इसको जो है वो बैन किया और क्यों किया उन्होंने फीमेल इन्फेंटिसाइड के लिए ठीक है ठीक है और आ, तो इसका मतलब ये है कि फीमेल के लिए उन्होंने गवर्नमेंट ने जो है है वो इसको बैन किया अब फीमेल क्या है? भाई आज भी कई ऐसे एरिया पे गरीबी इतनी है कि लड़की का जन्म मतलब कल को शादी करना पड़ेगा दहेज देना पड़ेगा पैसा कहां से आएगा लड़की को साथ में मान लो हम गरीब लोग हैं लड़की के साथ कुछ हो गया तो हम कैसे लड़के दिखेंगे उसको के तो बहुत सारे समाज में जो है वो आपको बताता हूँ कि एक जमाने में राजस्थान के अंदर जो है हरियाणा के अंदर बड़े पैमाने पर फीमेल इन्फॉन्टिसाइड हुआ बच्चों को गर्भ में ही मार दिया गया कई बार कैसे में तो बच्ची को जन्म के बाद मार दिया गया एक आपने देखा होगा बालिका वधुए एक आता टीवी पर सीरियल कलर्स पे उसमें भी दिखाते थे शिशु पे शुरू शुरू में शुरू का एपिसोड में ये दिखाया था उसके ऊपर ठीक है मतलब आप सोचिए इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी देश के लिए क्या हुआ कि गर्भ में ही बच्चे को मार दिया केवल इसलिए कि के वो लड़की है केवल इसलिए कि के वो लड़की है केवल इसलिए कि के वो है मैं सारे पैर में हमेशा जब भी किसी से मिलता हूं मैं बोलता हूं कि तुम दहेज के लिए पैसा जोड़ो चाहे मत जोड़ो ठीक है पर बेटी की शिक्षा के लिए पैसा जरूर खर्च करो तुम जो दहेज देते हो ना दस पच्चीस लाख का शादी लोग क्या करते हैं ऐसे बोलते हैं भाई फला आदमी ने पच्चीस लाख की शादी की है एक हजार बराती आए थे एक हजार लोग आए थे पूरे शादी में एक हजार लोगों को खाना खिलाया हमने है ना ये दहेज में दिया, वो वाली कार दहेज में दी हमने घर जाके लड़की को नहीं नहीं ये नहीं करेंगे कि शिक्षा में खर्च कर दें मैं कहता हूं कि तुम एक हजार को खाना मत खाओ दस लोगों को खाना खिलाओ घर के ठीक है मत कार मार दो कुछ तुम लड़की सक्षम होगी खुद कार चार गाड़ी खड़ी कर देगी लाके के? लड़की सक्षम होगी चार गाड़ी लाके खड़ी कर देगी घर के सामने ठीक है ना क्या चाहिए तुम मतलब बच्ची की पढ़ाई में खर्च करना जरूरी है मतलब गर्ल चाइल्ड को सबके लिए सबसे ने बेटी के लिए सबसे बड़ा यदि कोई चीज है ना जो उसको पेरेंट्स गिफ्ट कर सकते हैं शिक्षा अपने पैरों पे खड़ा करना किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना भाई अपने वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ठीक है तो क्योंकि जब ये 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 मैट्रिक्स तोड़ना पड़ेगा बेटा टूटेगा जब जब ही तो और मैं हमेशा मैं हमेशा बोलता हूँ जितनी भी गर्ल कमांडो बेटा मौके बहुत कम मिलते हैं जिंदगी में याद रखना ये देश देश जो है ना इस देश में ढक्कन धक, जैसा लगा हुआ है आपके पास आज चांस है ढक्कन से बाहर निकल जाने का थोड़े समय के लिए के तुम तैयारी करो मेडिकल ठीक है तुम डॉक्टर बन जाओ आप बाहर निकल जाओगे नहीं तो ये 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 समाज है ना एक बड़ा ढक्कन लगा देगा अंदर के बस अंदर ही अंदर पकते रह जाओगे बाहर की दुनिया मालूम ही नहीं चलेगी मेरी बात का बुरा मत मानना पड़ेगी सच्चाई है ये कि ये ये जो सोसाइटी है ना ये बहुत कम मौके देती गर्ल्स को लड़के के लिए तो हर समय चांस रहेगा वो कभी भी निकल लेगा उसे करना ही है करेगा नहीं तो कोई पूछेगा नहीं करना ही पड़ेगा उसके पर गर्ल्स के लिए क्या है उनको तो बेटा इसलिए आपको जो मौका मिला ना बेटे तो उसको उसके लिए बहुत मेहनत कर लो अभी इत के निकल जाओ बाहर ठक ठक बाहर किस? अपने आप को इसका वेलोसिटी हायर रखो बाहर ठीक है अब आप ना ना लड़का बचेंगे ना लड़की बचेंगे आप डॉक्टर बन जाएंगे ठीक है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये सब समस्याएं आपको बता नहीं मुझे मुझे मेरा तो बड़ा मन जब भी पढ़ता हूँ पढ़ाता हूँ कैसे हो सकता है ठीक है क्योंकि मैं दुनिया देखा पूरी मैं देखा हूँ कि इतना लिबर्टी इतना जो है वो समाज में इतना उत्थान बाकी सब जगह पे हो रहा है हमारे यहाँ पे हम आज भी बेसिक मुद्दों पर बात कर रहे हैं ठीक है फिर

तो हम इसका एनालिसिस करते हैं the the ठीक है इन एमसेसोटिक फ्लूड ऑफ द डेवलपिंग इज टेकन टू दी द दिटल सेल एंड डिजॉल्व एंडस्टेंस के ना ठीक दिस प्रोसीजर इज यूज टू टेस्ट दस ऑफ सर्टन जेनेटिक जैसे कि डाउन सिंड्रोम हिमोफीलिया सेल एनीमिया ये जो जेनेटिक डिजीज होती है इनका बारे में हम पता इससे लगा सकते हैं आपके रिसर्च ऑन वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज आर इनकरेज एंड सपोर्टेड बाई गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसी टू फाइंड आउट न्यू मेथड एंड एंड टू इम्प्रूव अपॉन द एक्टिंग वन के सरकार काफी पैसा खर्च करती है कि भाई आप बताइए कैसे और रिपोर्टिव हेल्थ को हम इम्प्रूव कर सकें तरीके क्या होते हैं कौन से अच्छे वैक्सीन मिल सकते हैं कैसे मेटरनल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं मेटरनल मोटिलिटी रेट को हम कैसे कम कर सकते हैं तो सरकार इन चीज़ों पर बड़ा इन्वेस्ट करती है और ऐसे साइंटिस्ट को ऐसे डॉक्टर्स को वो प्रमोट भी करती है हर अस्पताल में हॉस्पिटल में जो है वो कोर्सेज भी चलते हैं जहां पर जो है मेटरल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर को प्रमोट किया जाता है डॉक्टर्स को ट्रेनिंग लगातार दी जाती है ठीक है देन अब देखिए और रिसर्च में कई कई चीजें चीजें बड़ी अच्छी भी मिली है, वोट के। हमने हमा, हमारे देश में लो, देखो आपको बता दूं मैं कि आप बोलोगे सर आप अक्सर ये बोलते हो कि ऐसा नहीं है हमारे कभी अच्छा क्यों वो नहीं बोलते मैं कहता हूं हमारे देश में बहुत टैलेंटेड लोग हैं बेटा के बहुत टैलेंटेड लोग हैं हमारे कंट्री में जिनके पास में जो है वो साइंटिस्ट हैं

मेरी बात का बिल्कुल बुरा मत मानना बेटा ठीक है बायोलॉजी लिए है ना सबने सोचा कि हम डॉक्टर बनेंगे ठीक है देर आर वेरी फ्यू हु थिंक अबाउट कि भाई हम एमबीबीएस करके हम रिसर्च में आएंगे आई वॉन्ट टू परस्यू द रिसर्च इन द फील्ड ऑफ फार्मेकोलॉजिकल मेडिसिन में जाऊंगा मैं मॉलिक्यूल खोजूंगा मैं नया एंटीबायोटिक डिस्कवरी में मैं रोल प्ले करूंगा वैक्सीन का आज आज सब जगह पे लोग कर रहे हैं वैक्सीन 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 तो मैं ऐसे कुछ फील्ड में काम करूंगा बहुत कम लोग हैं ठीक है बहुत कम लोग हैं जो सोचते हैं कि बायोलॉजी लेकर हम बायोटेक्नोलॉजी में भी जा सकते हैं हम कुछ और वहां भी कर सकते हैं 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 बहुत कम लोग जो जो अपने मेडिकल एजुकेशन को जो है वो रिसर्च के लेवल तक लेके तो हमको ऐसा नहीं कि एमबीबीएस के बाद एमबीबीएस के बाद बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं रिसर्च के लिए भी कई रास्ते खुलते हैं मैं कभी बताऊंगा आपको इस बारे में ठीक है तो अब हम बात करते हैं यहां पे बेटा कि हम जो हम जो बात करते हैं यहां पे कि जो है

ठीक है सेंट क्रोमेन भी कहते हैं इसको ये जो है वो आ, हम कहते हैं नॉन एस्ट्रायडल जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव

तो मतलब यह है कि ये यूट्रस की लाइनिंग को जो है और ओबुलेशन को बीच का जो टाइमिंग टाइमिंग होता है उस टाइमिंग को ये का सिंक्रोनाइजेशन उसका समन्वय ये बदल देता है जिसके चलते जो है वो प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है और इम्प्लांटेशन इज नॉट पॉसिबल के तो ये मेडिसिन ऐसे काम करता है और ये बड़ा इट इज वन ऑफ मेडिसिन इन इंडिया ठीक है in India, ना ठीक चलिए लास्ट स्लाइड पे बात करते हैं फिर आगे बात करेंगे बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकल मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज अब क्या होना चाहिए कि मतलब सेक्स रिलेटेड मैटर पर बेहतर अवेयरनेस होना चाहिए पब्लिक के फिर जो डिलीवरीज हैं मोस्ट ऑफ डिलीवरी हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स और नर्सेज की केयर में होना चाहिए कि बेटर पोस्टनेटल पोस्टल केयर बच्चे के जन्म के बाद भी उसका ध्यान रखना चाहिए मदर का ध्यान रखना चाहिए कि इससे क्या फायदा होता है मेटरल मोटिलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कम होती है यानी माँ माँ की मृत्यु और बच्चों नवजात बच्चे की मृत्यु दर को हम कम कर सकते हैं ठीक इसके अलावा इंक्रीज नंबर ऑफ कपल विथ स्मॉल फैमिलीज ऐसे कपल्स को हमेशा प्रमोट करना चाहिए हमें कि जो कपल्स हैं उनकी परिवार छोटा रहे यानी एक या दो बच्चे हो के और लोग बड़ा परिवार ना करें आपके बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को हम बेहतर प्रकार से जल्दी से जल्दी पहचान पाए उसका ठीक से हम इलाज कर पाए लोगों को उसके लिए अवेयरनेस होना चाहिए ना ठीक है एंड ओवरऑल इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटीज

aware okay. all the best. Hi. To become an official commando of biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers. An online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download by a Mentors Online app from Google Play Store.